I'ma do you right. सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इस बेल बटन को भी क्लिक करना ना भूलें ताकि आप मेरे हर नए वीडियो की अपडेट पा सके और ये बिल्कुल भी फ्री है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल और दिस इज मी खुशी। तो आज का जो मेरा रिव्यू है वो है इस कटफार क्रीम के ऊपर। ये जो है ये एक तरह का ऑइंटमेंट है जो मुझे रिसीव हुआ है बैन लैब्स की तरफ से, और ये सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में अपना जो फर्क है वो दिखाएगा, अपना असर दिखा देगा। ये एकदम ही आयुर्वेदिक मेडिसिन है और हर्बल है। इसके बेनिफिट की अगर मैं बात करूँ तो सर्दियों में, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे पैर फटने लग जाते हैं, एड़ियों में अक्सर रफनेस आ जाती है, ड्राइनेस आ जाती है, और फटी एड़ियों की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। क्रैक हील हो जाती है कहीं कट, या अगर आपको वाउंड हो गया है या चिल बिलेन हो गया है, यानी कि हाथ या पैरों की उंगलियों में सूजन या रेडनेस आ गई है, या आपकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा कहीं पे रफ या ड्राई हो गई है, तो उसके लिए आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हो। और इन सभी चीज़ों पे ये बहुत ही अच्छा वर्क करेगा और इसका रिजल्ट आपको सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में ही देखने मिल जाएगा। ये जो क्रीम है 25 ग्राम का मुझे रिसीव हुआ है ₹59 में, और इसको मैन्युफैक्चर किया हुआ है बैन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में। इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो है 3 इयर्स की, और अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी परचेस लिंक दे दूंगी, आप वहां से इसको परचेस कर सकते हो। इसके अगर मैं कंपोजिशन की बात करूँ तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो इसमें मिलाया गया है विपाधिखार मलम, RSSP, जत्यादि ऑयल और ऑइंटमेंट बेस। तो इस तरह के कुछ आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट हैं जो इस क्रीम में मिलाए गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए ही है, और इसको सनलाइट में बिल्कुल नहीं रखना है। आपको कूल और ड्राई एरिया पे इसको स्टोर करना है, रेफ्रिजरेटर में भी नहीं रखना है, और बच्चों से इसको दूर रखना है। बैनर लैब बहुत ही ट्रस्टेड और पुराना ब्रांड है, तो इनके जो भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है बहुत ही अच्छे और रिजनेबल हैं, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे हैं। इसकी अगर मैं पैकेजिंग की बात करूँ तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये कार्डबोर्ड बॉक्स है, और साथ में मुझे रिसीव हुई है ये क्रीम, और ये इस तरह की दिखती है, प्लास्टिक क्रीम है, बहुत हैंडी है। आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो भी आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो। देखिए ये कुछ इस तरह की दिखती है, और अगर मैं इस क्रीम को आपको ओपन करके दिखाऊं तो देखिए इस तरह का वाइट कलर का इसमें से क्रीम बाहर आएगा, और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो लक्स जैसी है, बहुत ही हार्ड है ये, मतलब स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज कर देगा, और इसको लगाने के बाद आपकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड सिल्की बन जाएगी। मैं इसको अप्लाई करके दिखा देती हूँ। आप देखिए अब ये मेरी स्किन में ऑब्जर्व हो गया और एक अलग ही शाइन आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, और ये जो है थोड़ा सा थिक है तो इसको अप्लाई करने में थोड़ा सा आपको रब करना पड़ेगा, लेकिन जब ये अप्लाई हो जाएगा तो आपकी जो स्किन है इसमें इजीली ऑब्जर्व हो जाएगा और स्किन को एकदम सॉफ्ट और स्मूथ बना देगा। बेसिकली मैं इस क्रीम को अपनी फटी एड़ियों के लिए यूज़ कर रही हूँ पिछले कुछ दिनों से। तो आपको क्या करना है, जहाँ भी आपका प्रॉब्लमेटिक एरिया है उसको पहले ल्यूक वार्म वाटर से, यानी हल्के गुनगुने पानी से वॉश कर लेना है, साफ कर लेना है। उसके बाद बस हल्का सा ये क्रीम लेना है और आपको हल्के हाथों से जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है उस पर लगा देना है, मसाज भी हल्के से बस स्प्रेड कर देना है, और आपको इसे दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। बट मैं सिर्फ और सिर्फ नाइट में यूज़ करती हूँ, उसके अलावा डे टाइम पे मेरे पास टाइम नहीं होता। तो आप भी सिर्फ नाइट में यूज़ कर सकते हो, तो मेरी जो एड़ियाँ हैं उनके ऊपर मैं नाइट में लगा देती हूँ। उसके बाद मैं एक और चीज़ करती हूँ कि मैं सॉक्स पहन लेती हूँ ताकि इसका जो मॉइस्चर है पूरी रात मेरे पैरों में बना रहे, और इसका जो रिज़ल्ट है वाकई में बहुत ही अच्छा है। आप चाहो तो किसी प्रोफेशनल की एडवाइस लेने के बाद भी इस क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज़ आप अपने आप से भी इसको खरीद के लगा सकते हो, और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी है, ऐसा लगता है लक्स सोप जैसी फ्रेग्रेंस है। सो गाइज, ये था मेरा आज का रिव्यू। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप सभी को पता है कि क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और मैंने एंड में अपनी फेसबुक और इंस्टा की आईडी दे रखी है, आप चाहो तो मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। सो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।